जीव का एकमात्र आश्रय परमात्मा ही है, राघव राम शास्त्री। द्वारकाधीश ने रुक्मिणी का हरण कर रचाया विवाह। कोच में यहाँ नई बस्ती स्थित पूर्व सभासद बद्री प्रसाद कुशवाहा के बगीचे में राम जानकी मंदिर पर भक्ति और आनंद की ऐसी गंगा बह रही है कि भक्त श्रोता भाव विभोर होकर नाचने लगते हैं। यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के दौरान सोमवार को कथा प्रवक्ता पंडित राघव राम शास्त्री ने भगवान द्वारकाधीश के विवाहों के आनंददायी कथाएं सुनकर श्रोता समुदाय को आनंदित किया। नगर में सब ब्राह्मण नहीं थे। सुनाकर श्रोता समुदाय को आनंदित किया। उन्होंने कहा कि जीव का एकमात्र आश्रय परमात्मा ही है, इसलिए केवल परमात्मा पर ही विश्वास रखना चाहिए। सांसारिक बंधन तो छठवें दिन की कथा आनंददायी कथाएं सुनाई। उन्होंने रुक्मिणी हरण की कथा काफी विस्तार से सुनाते हुए कहा कि रुक्मिणी का विवाह उनकी इच्छा के लेकिन पति मान चुकी थी। नंद बाबा के गोकुल में बच्चों का वध करने के लिए आई थी, पापनी थी ये। भैया बाल हत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं होता। तो ये बाल घातनी है, इसका नाम ही बाल घातनी है, बच्चों का वध करने वाली। बंधो जब इसके शरीर को जलाया जा रहा था तो इसके शरीर से दुर्गंध ही नहीं निकल रही थी, बढ़िया सुगंध ही निकल रही थी। जब देवी पूतना के शरीर को जलाया जा रहा है लकड़ियों में रख करके, बढ़िया सुंदर सी गंध निकलती है।